Relax, Sam. Yes. मैंने अभी अपने एक एम्प्लॉय को बुलाया है. He'll tell me what he thinks about my performance. May I come in, madam? He's here. I'll talk to you later. Bye. Come in, Kailash. Kailash. मैडम मैं कैलाश नहीं हूँ, मैं साजन अग्रवाल. Of course, Mr. साजन. करीब आइए. नहीं आप कहिए ना मैडम, मैं यही ठीक हूँ. मुझे दूर से एकदम क्लियर सुनाई देता है. दूरी ना रहे, आज इतने करीब आ जाओ. मैं ठीक हूँ, यहाँ ठीक हूँ मैं. किंतु ठीक रहोगे नहीं. मैं यहाँ केवल तुम्हारे लिए आई हूँ. मौत की सर्द लहरें कैसी दिखती हैं जानते हो? नहीं जानता. मैं तो समुद्र की लहर कैसी दिखती है वो भी नहीं जानता. कैलाश, मैं कितने जन्मों से तुम्हारे तलाश में थी. मेरी ये तलाश तुम्हारे लाश पे खत्म होगी. नहीं, मैं भाग जाऊंगा. मैं इतनी दूर भाग जाऊंगा कि आप मुझे ढूंढ भी नहीं पाएंगे. मैं भाग जाऊंगा. कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन, कैच मी. लुक्स लाइक दैट वाज एन ऑसम परफॉर्मेंस. संजय तुम इतनी जल्दी? यार मेरी छोड़ो यार, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो यार ओके, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं संजू. क्या हॉस्पिटल में क्या सेल लगी हुई है क्या? अरे मैं कह दे रहे मेरे दामाद से कि वहाँ सेल नहीं, इसका सेला, मेरा मतलब इसका साला है. बेचारे मोबू के बहुत तबीयत खराब है. पता नहीं किस कल मुँह है कि काली नजर लग गई मेरे बच्चे को. भूपेश को तो मैं भूली क्या, उसे मैंने ही भेजा था हॉस्पिटल टेस्ट करवाने के लिए. क्या निकला? भूपू की बॉडी में पॉइजन निकला है संजू. क्या? हाँ, भूपू की बॉडी में पॉइजन निकला है. क्या? भूपू की... यार दो बार बोल दिया, क्या सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे कश्मीरा तू उसे बताना छोड़ और जल्दी से रिक्शा पकड़ चल. मैं भी चलूंगा. संजू प्लीज तुम आराम करो, फिलहाल मैं और मम्मी जाके आते हैं. तुम्हारे हो तो रसोई की खिड़की प्लीज खुली मत छोड़ना और दो बार लॉक को चेक करना, ठीक है? चलो मम्मी, चलो 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 चलो. मैडम ऐसे कैसे यार, पॉइजन निकला है यार भूपेश की बॉडी में से. हेलो हेलो खिलोनी. हाँ साजन, कहाँ से बोल रहा है बे? मैं मुंह से बोल रहा हूँ यार, तू बात सुन मेरी पहले. क्या हुआ मैडम को? मैडम को ना, अरे तुझे कैसे पता कि मैं मैडम की बात करूंगा? यार इसके अलावा तेरे पास और कोई दूसरी टॉपिक है बात करने को? हैं बोलना है तो क्या हुआ? तू मेरी बात सुन ले खिलौनी पहले. मैं बहुत सीरियस मैटर पे बात कर रहा हूँ तुझसे यार. मैडम ना, वो मैडम नहीं है यार. क्या बे? अबे वो ना, वो इच्छाधारी नागिन है यार. बेटा आज के बाद ना बात मत करना. अकेले अकेले दिन में लगा लिया यार तूने. है कम से कम पूछ तो लेता बे. पागल हो गया तू? क्या बोल रहा है तू? लेमन चूस ले. तू चूस ले तभी उतरेगी. मैडम इच्छाधारी नागिन बन गई है. अरे पागल है तू यार. हैं आर यू क्रेजी? अबे यार खिलौनी मेरी बात समझ यार, मैं सच कह रहा हूँ. मैं कोई पागलपन की बात नहीं कर रहा हूँ. मैंने अपनी आंखों से देखा है यार खिलौनी. मैडम ना इच्छा, एक सेकंड रुक, मुझे कोई फोन आ रहा है. मैं तुझे 2 मिनट बाद फोन कर रहा हूँ. हेलो. व्हाट इज दिस मिस्टर साजन, आप अचानक मेरे केबिन से भाग क्यों गए? मैं अपनी जान बचा के भागा हूँ. जान बचा? What does that mean? नहीं वो एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो रही थी मैडम, तो मुझे बीपी लो हो रहा था और चक्कर से आ रहे थे मुझे, इसलिए मैं आ गया. ओके ओके, आपने दवाई ली? नहीं. हाँ, ले ली मैंने, ले ली. ओके, कहाँ है आप अभी मिस्टर साजन? मैं घर पे. जस्ट एज आई थॉट. ठीक है मिस्टर साजन, मैं आपको मिलने आ रही हूँ, मैं बस आसपास ही हूँ। नहीं नहीं, अब आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। रिलैक्स मिस्टर साजन, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं जल्दी निकल जाऊंगी घर से, बाय। हेलो, ज्यादा टाइम कहाँ लगता है नागिन को डसने में, वो फुस किया और निकल गए यार। बंद करूंगा, सब बंद करूंगा, सब बंद करूंगा। मैडम मुझे डसने के लिए मेरे घर पे आ रही है यार, मैं क्या करूं, मेरे पास तो बीन भी नहीं है। काश मेरे पास कोई पालतू नेवला होता तो उससे मैं मैडम को कटवा देता। चुप चुप चुप। मिस्टर साजन, कश्मीरा, हालतू जलालतू आई बला को टालतू, हालतू जलालतू आई बला को टालतू। अरे, एनीवन होम? हेलो, जलालतू आई बला को टालतू, हालतू जलालतू आई बला को टालतू। जी मैं मिस्टर साजन भी अभी तो कह रहे थे घर पर ही है। Doesn't look like anyone here. लगता है मैडम चली गई, लेकिन ऐसे कब तक मैं उनसे बचता रहूंगा यार, एक ना एक दिन तो वो मुझे डस ही लेंगे। खिलौनी को फोन करता हूँ और किसी सांप पकड़ने वाले का नंबर ले लेता हूँ और मैडम को पकड़ा दूंगा। सॉरी 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 मैडम, मुझे दिखा नहीं यार, मुझे तो लगा था कि मैडम चलेगी, ये तो अपना असली रूप में आ गई। गुड इवनिंग मैडम। वो एक्चुअली मुझे आवाज ही नहीं आई आपकी, तो इसलिए मुझे पता नहीं चला कि आप आई हुई है। नहीं मतलब अब तो आ रही है, अब एकदम क्लियर आवाज आ रही है, बिल्कुल आप पास आ गई है ना। आप सोफे पर क्यों नहीं बैठे, मतलब ठीक है आप कंफर्टेबल है तो कोई। मैडम मैं आपको एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं आपके इच्छाधारी नागिन होने के राज को जान गया मैडम। तो गलती तो इंसान से ही होती है ना मैडम। हाँ इट्स ओके, मुझे पता है कि आप तो इंसान ही नहीं है, तो फिर आप कैसे समझेंगे। नहीं मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये राज अपने तक ही रहूँगा, मैं ये राज किसी को भी नहीं बताऊंगा मैडम। प्लीज एक बार अपने मुंह से कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया मैडम। हाँ नहीं ठीक है, आपको कुछ नहीं कहना तो कोई बात नहीं है मैडम, कोई मैं आपको जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ आपसे, आप कैसे मैं कर सकता हूँ। वैसे मैं एक बात ये कहना चाहूँगा मैडम कि आप ना नागिन के रूप में भी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत मतलब। मैं आपके एक पिक ले लूँ मैडम प्लीज? नहीं मना मत कीजिए, एक पिक ले रहा हूँ खाली मैं, ओनली वन। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वैसे मैडम आपकी स्किन काफ़ी ग्लो कर रही है, मतलब आपने कोई फेशियल कराया या मसाज, मतलब? नहीं ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। अब आप ये नागिन के कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही है, तो अब मैं ये कर रहा हूँ मैडम कि आप एज गेस्ट आई हैं घर में, तो कुछ लेंगी आप, चाय कॉफी ठंडा कुछ, अपना स्नैक्स या कुछ? नहीं ठीक है, मैं समझ गया, आपको दूध पसंद है ना, तो मैं अभी आपके लिए 2 मिनट में दूध उबाल के लेके आता हूँ। नहीं ठंडा करके लेके आता हूँ, दो मिनट में मैं दूध ठंडा करके लेके आता हूँ आपके लिए। मैं यहाँ से चला जाऊँ, आप कंफर्टेबल रहिए, मैं दूसरे रास्ते से चले जाऊंगा। साला खिलौने मेरी बात मानने को तैयार नहीं था ना, अब दिखाता हूँ उसको मैं। छह होना था, 5 ही है इसमें तो। हाँ साजन बोल। तेरे मोबाइल पे मैंने मैडम का एक फोटो भेजा है, अभी तुरंत चेक कर। अरे यार मैडम को आमने सामने देखने में जो मजा है ना, वो फोटो में गायब है। तू लेमन चूस ले। अरे हमेशा जब देखो तब थरकी पने के घोड़े पे सवार रहता है, पहले फोटो देख बेटा, फोटो देखने के बाद ना तेरे नीचे से घोड़ा और जमीन दोनों खिसक जाएंगी। अरे ऐसा क्या है यार फोटो में? अबे तो देख तो सही अपनी गंदी नजरें डाल के पहले। अरे बटन लगेगा तेरे। अच्छा एक मिनट, लेट मी चेक। या सांप। अबे यार साजन ये तो सांप है यार। मैडम कहाँ है? वो सांप नहीं है खिलौनी, वो मैडम ही है। हाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, तू यहाँ पर आ, कैसे भी करके इस सांप को यहाँ से भगा यार। अरे यार अब मैं क्या करूँ यार, लास्ट आइडिया ये है, मरना होगा बेटा। तू कैसा दोस्त है यार, तू अपने दोस्त को मरने के लिए कह रहा है खिलौनी? अरे यार मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ बे, मैडम को मरना होगा, आई मीन इच्छाधारी नागिन को ना मारना होगा, तू मार डाल उसे। वैसे तू ठीक कह रहा है खिलौनी, अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। मैडम को मतलब इस नागिन को मारना ही होगा। तो व्हाई यू आर वेटिंग भाई? ठीक है, किल द इच्छाधारी नागिन नाउ, फिनिश, खत्म करो यार। मैं अब इसका काम तमाम कर देता हूँ। सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यार मम्मी पर्स लेके गई और पैसे तो यहीं भूल गई, फिर मुझे फोन करेगी, तेरी कश्मीरा पैसे भूल गई। मैडम मैडम कहाँ गायब हो गई है? कहीं इन्होंने मेरी और खिलौनी की बातें तो नहीं सुन ली फोन पर? जरूर मुझे डसने के लिए कहीं छुप गई होंगी फन फैला के। मैडम यार कहाँ चली गई मैडम? लगता है मैडम उस कमरे में। इससे पहले कि मैडम तुझे काट ले साजन, तू मैडम को काट ले, मतलब काट दे। मैडम मैं आपकी वजह से ऑफिस की छुट्टी कभी नहीं मारता था, लेकिन आज मुझे आपको ही मारना पड़ेगा। आपके केबिन के बाहर कितने अरमानों के साथ मैं आकर कहता था कि मे आई कम इन मैडम, लेकिन आज उतने ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आई एम सॉरी मैडम। मुझे आपके जहर से बाकियों को और अपने आप को बचाने के लिए आपको मारना ही पड़ेगा। कश्मीर सॉरी बेबी, सॉरी 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 बेबी सॉरी। तूने क्या सोचा कि तू मुझसे सॉरी बोल के मेरी पोती को चाकू मारेगा और मैं सोती रहूंगी? नहीं 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 दादी, मैं कश्मीरा को नहीं मार रहा था, मैं इच्छाधारी नागिन को मार रहा था दादी। वो हमारी मैडम इच्छाधारी नागिन बन गई है, उन्हीं की वजह से ये सारा कुछ कंफ्यूजन हुआ है दादी। अच्छा तो आज तू बचने के लिए इच्छाधारी नागिन का बहाना कर रहा है, कल से कहेगा कि भूत प्रेत भी होते हैं। नहीं, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। तो फिर आप सबसे पहले तो शीशा देख लो, आपको भूत प्रेत पे तो तुरंत यकीन आ जाएगा। और इच्छाधारी नागिन मैं बहुत जल्दी आपको दिखाऊंगा दादी। चुप कर, पहले मुझसे झूठ बोलता है, फिर मुझे भूत बोलता है, अब देख मैं तुझे कैसे भूत बनाती हूँ। माफ कर दो मैम, मैं कश्मीरा के सर की कसम खाता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ दादी। मैं मुझे कश्मीरा को नहीं मारा था, मैं इच्छाधारी नागिन को मारा था, हमारी मैडम को मारा था जो इच्छाधारी नागिन बन गई। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ दादी, मैं सच बोल रहा हूँ दादी, मैं सच बोल रहा हूँ दादी, मैं सच बोल। दादी दादी चली गई। हाँ संजू दादी चली गई, तुमने मेरे सर की कसम खाई ना इसलिए। लेकिन ये तुम क्या बकवास कर रहे हो यार संजू, संजय ना इच्छाधारी नागिन क्या है? ये सच है, सच है बेबी है। मैं जानता हूँ तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैडम एक इच्छाधारी नागिन बन चुकी है। वो एक इच्छाधारी नागिन है और वो मुझे मारने के लिए यहाँ पे आई थी। उन्हीं से अपने आप को बचाने के लिए मैं उनको मारने जा रहा था, लेकिन मैं जब आया तो वो गायब हो गई। और फिर मुझे इस कमरे से कुछ आवाज आई तो मुझे लगा शायद मैडम यहाँ पर है, लेकिन वो तुम निकली। मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा बेबी। नहीं संजू मुझे पूरा विश्वास हो गया, कि तुम पागल हो गए हो। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाती हूँ, तभी तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। यार मैं पागल नहीं हूँ यार कश्मीरा, भूपेश को भी तो मैडम ने काटा ना, तुम्ही ने बताया ना कि उसकी बॉडी से पॉइजन निकला है। अरे वो फूड पॉइजनिंग था, नागिन वाला नहीं। अरे वो भोपू ने ना बासी गोलगप्पे खा लिए थे, अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो गया है। ये क्या लगा रखा है संजू, इच्छाधारी नागिन और ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तुम्हारा वहम है बस। यार सच में मेरे दिमाग का वहम तो नहीं है ये, इतना बड़ा वहम। वहम है वहम, वहम है वहम है वहम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग छेदी सर, आपकी चाय। यस थैंक यू। अच्छा दी, ये क्या सुबह सुबह थकी हुई चाय लेके आए तू? थका हुआ आदमी सर थकी हुई चाय बनाएगा ना सर। 2-3 दिन से ना बहुत वीकनेस फील कर रहा हूँ, तो लेमन चूस ले ठीक हो जाएगा। ये तेरी गर्दन पे क्या हुआ है? अरे सर वो कल रात को ना एक मैरिड कीड़े ने काट लिया। मैरिड कीड़ा? हाँ सर, अपनी वाइफ के साथ ना हंटिंग पे निकला हुआ था और कल रात सोते हुए मुझे काट लिया। जब मैंने उठ के देखा तो 2 निशान थे सर, बराबर बराबर एकदम, तो मुझे लगा शायद किसी सांप ने काटा है, लेकिन फिर मुझे लगा मैंने बाउंड्री वॉल पे तो जो है वो नंगी तारें छोड़ी हुई हैं करंट की, तो सांप अंदर कैसे आ सकता है? मेन गेट से चल के आता है, इसलिए सर ये जो है किसी मैरिड कीड़े ने ही काटा है। तो ये वीकनेस जो है ये कीड़े के काटने के बाद से तुझे लग रही है या अंदर से पहले से ही बुढ़ापा आ गया तुझे? अरे सर ना कीड़े के काटने से हुई है ना सर बुढ़ापा आया है, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है सर। सर ये वीकनेस ना वो ज्यादा डांस करने से हो गई है। डांस? किस खुशी में डांस किया तूने? सर खुशी में नहीं किया सर, वो क्या है ऑफिस आ रहा था ना, तो रास्ते में सर एक बेहतरीन एकदम बढ़िया वाला जो है म्यूजिक बज गया, अब मैं रोक नहीं पाया सर अपने आप को, बीच रास्ते में मेरा डांस निकल पड़ा। ऐसा कौन सा आइटम सॉन्ग बज रहा था? ये दिखाता हूँ सर, सुनिए सर, मजा आ जाएगा आपको। अरे यार सर मैंने कुछ नहीं सुना, आप कह रहे हैं आया आया। नहीं मैडम की आवाज आई है, प्रॉपर बुला रही है मुझे। तू गाना सुन रहा था ना इसलिए तू मैडम की आवाज नहीं सुन पाया। तू सुन गाना सुन रहा, मैडम की बात सुन के आता हूँ। मैडम आया आया आया। हेलो मोहतरमा। और मेरे मुंह पे फिटना आने वाले मोबाइल, पूछो जरा इनसे कि कैसे है ये। मोहतरमा आपने इतनी गजब की खबर दी कि जैसे सुनकर मैं बहुत मजे में हूँ। मिस्टर साजन संजना बिटिया को इच्छाधारी नागिन समझ रहे हैं, तो मैंने भी उनको अपना नागिन डांस दिखा के उनकी हालत खराब कर दी है। और छेदी जी के चमत्कारी चश्मे, जरा पूछे और छेदी जी से कि हमें इनका नागिन डांस कब देखने को मिलेगा। मोहतरमा आपको तो हम अपना स्पेशल डांस दिखाएंगे, उससे पहले हम सब मिलके आपके दामाद की बीन तो बजा लें। May I come in, madam? You may. Good morning, madam. बैठिए मिस्टर साजन, गुड मॉर्निंग। कल क्या हो गया था? मैं आपको फोन तो किया था कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ आपके घर में, वहाँ पे पहुँची तो कोई था ही नहीं। इतनी आवाजें लगाई मैंने तो फाइनली आपसे बिना मिले ही मुझे जाना पड़ा। इसका मतलब मैडम वो नागिन नहीं थी, ये सब मेरा वहम ही था। मिस्टर साजन आप तो खुश हो रहे हैं जानकर, आप मुझसे मिलना नहीं चाहते थे? नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली कल एक्सीडेंटली मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे वहां जाना पड़ा, वरना मैं आपसे जरूर मिलता। मैं Mr. Sajan, can you fetch that for me, please? Yeah, sure, madam, sure. Thank you.